180 डिग्री होगा तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ई, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी ई बी, एंगल सी सी ई बी, एंगल हमें क्या निकालना है, सी ई डी, एंगल सी ई डी चाहिए, सी ई डी, ठीक है ना। हम निकाल एंगल सी ई बी, ठीक है, प्लस एंगल हो गया बी सी ई, सी ई बी, अब ई बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये तो आपने निकाला है 90 बी सी ई और ये निकाला है 20, तो आप क्या निकाल देंगे कि बी सी ई की जगह तो लिख देंगे 90 प्लस सी ई बी, सी ई, सी ई बी ये हमें निकालना है, प्लस एंगल ई बी सी ये आपने निकाला है 20 डिग्री, एंगल ई बी सी जो है आपने निकाला है 20 डिग्री, ठीक है, यही एंगल है सी बी ई या ई बी सी एक ही चीज है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 20 माइनस 70, तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, 110, सी ई सी सॉरी सी ई बी 110। अब इस सी ई बी को आप सी ई डी भी लिख सकते हैं, एंगल तो ई ही आएगा, ठीक है ना। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चन। अब 12th बी एक्सरसाइज के लिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ टफ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के मैं अगले वीडियो में भेजूंगा, ठीक है, लगा के भेजूंगा, और कुछ क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा भी। ओके, थैंक यू।